हेलो दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें महान व्यक्तित्व होते हैं उससे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में हम बताते हैं, तो उसी क्रम में आज हम लेकर आए भगत सिंह। देखो, जब भगत सिंह के बारे में हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो क्या है इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो भगत सिंह तो सबसे पहले क्या है इनका जन्म, तो इनका जन्म जो है वो 26 सितंबर 1907 को 26 सितंबर 1907 को पंजाब में, कहां पर पंजाब में हुआ था। पंजाब का एक जिला है आपका जालंधर जिला। इसमें क्या है, जालंधर जिला में एक संधू जाट परिवार में इनका क्या हुआ था, संधू जाट परिवार में इनका क्या हुआ था, किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था, किसान परिवार में इनका जन्म हो गया था इसमें। अब देखो, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी एंट्री कैसे होती है, वैसे तो एक कहानी सुनी होगी कि इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड भी देखा, उससे प्रेरित हुए, गांधी जी वगैरह सबसे मिले ये, लेकिन क्या है स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने जो एंट्री की थी वो कैसे थी, या स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका क्या थी, मोस्टली क्वेश्चन क्या है यहीं से बनते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका में भूमिका, तो इनकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही उस पर नजर डालते हैं। देखो शुरुआत में क्या है, इन्होंने 1923 कब 1923 में नेशनल लाहौर कॉलेज 1923 में नेशनल लाहौर कॉलेज में लाहौर कॉलेज में पढ़ाई शुरू की। वहीं क्या है ये एक गुट बनाने लगे जिसमें आपके राजगुरु सुखदेव आदि थे, तो यहां से ही इन्होंने क्या है पहला अपना एक क्रांतिकारी चरण शुरू किया। अब देखो कैसे जुड़ना शुरू होते हैं, 1924 में देखो कानपुर है ना, ये जो उत्तर प्रदेश में है कानपुर, इसमें एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एसोसिएशन की क्या है मतलब ये जो संघ था ये कहां पर था, कानपुर में एसोसिएशन था, इसकी स्थापना। अब देखो क्वेश्चन यहीं से बनता है, इनकी स्थापना जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसकी स्थापना किसने की थी, संघ की सचिंद्र नाथ सन्याल ने इसकी स्थापना की। तो देखो ये कहां पर था, कानपुर में था, तो 1924 में। इससे प्रेरित होकर भगत सिंह ने इस ग्रुप को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। इसी के एक सदस्य थे भगवती चरण वोरा, क्या नाम था, भगवती चरण वोरा। इसी के एक क्रांतिकारी सदस्य थे भगवती चरण वोरा, ठीक है, ये जो थे इन्होंने एक किताब या एक लेख लिखा जिसका नाम था फिलॉसफी ऑफ द बम। ये एक लेख लिखा इन्होंने, इसी से प्रेरित हुए कौन, भगत सिंह इससे ज्यादा सर्वाधिक प्रेरित हुए, अतः इसी से प्रेरित होकर सशस्त्र क्रांति को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्या किया, एक हथियार के रूप में इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया इसी लेख से प्रेरित होकर। उसी क्रम में क्या है,
1925 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1925 में भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब में एक सभा की स्थापना की थी। उस सभा का नाम था नौजवान भारत सभा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की? भगत सिंह ने की। और कब की? 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना इन्होंने की। उसके बाद में देखो, 1925 के बाद क्या है, 1926 में भगत सिंह ने एक और संस्था है, 1926 में भगत सिंह और एक इनके साथी थे, इनके सहयोग से इन्होंने क्या है, प्रचार प्रसार किया। सोहन सिंह, साथी का नाम क्या है? सोहन सिंह। इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक और संस्था की स्थापना की, श्रमिक और किसान पार्टी, श्रमिक और किसान पार्टी। तो जब इसकी स्थापना की, इसका प्रचार प्रसार किया, और इसके लिए एक पत्रिका भी निकाली, या पत्रिका निकाली इसके प्रचार के लिए, उस पत्रिका का नाम था कीर्ति। क्या नाम था? कीर्ति। ठीक, इस पत्रिका का तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कीर्ति पत्रिका कौन निकालता था? तो भगत सिंह और सोहन सिंह की जो श्रमिक और किसान पार्टी थी, उसके तहत ये क्या निकाला जाता, प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका निकाली जाती थी। अब देखो, ये तो एक चरण के एक राजनेता या एक क्रांतिकारी कैसे कैसे तैयार हुआ। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया, जो सचिंद्रनाथ सन्याल के नेतृत्व में ज्वाइन किया गया। अब उसी में क्या है, देखो, पहली बार 1927, ये डेट क्या है, 1927, 1927 में क्या होता है, काकोरी कांड, काकोरी कांड होता है, अर्थात एक ट्रेन को लूटते हैं। तो इसी के तहत पहली बार भगत सिंह क्या जाते हैं, इसमें संलिप्तता के कारण काकोरी कांड में ये पहली बार जेल जाते हैं। तो काकोरी कांड की संलिप्तता या संलिप्त होने के कारण पहली बार ये क्या है, पहली बार जेल गए। तो ये तो पता ही होगा आपको कि जहां पहला शब्द लग जाए वो क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो पहली बार जेल कब गए, तो ये कब गए, 1927 में काकोरी कांड के तहत गए, पहली बार जेल में गए। उसके बाद में क्या होता है, ये 1928 में, ये जो डेट है 1928, 1928 में दिल्ली, देखो 1928 एक और संस्था बनाते हैं, दिल्ली, दिल्ली के फिरोजपुर कोटला में, फिरोजपुर कोटला कोटला में एक संस्था बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एसोसिएशन। इस संस्था की क्या करते हैं, HSRA की क्या करते हैं, ये लोग स्थापना करते हैं। और इसमें भूमिका रहती है चंद्रशेखर आजाद प्लस भगत सिंह। तो एक बार ऐसे भी पीसीएस यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, उसमें चंद्रशेखर नहीं दिए थे, केवल केवल क्या दिए थे, भगत सिंह। तो ये कब की थी, फिरोज साहब कोटला में, दिल्ली में, 1928 में क्या की थी,
स्थापना इन लोगों ने की और अपने मूवमेंट को क्या किया, आगे बढ़ाया। अब देखो इसी क्रम में क्या है, उस टाइम पर एक साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन ये भारतीयों के लिए जो लॉ बनते थे उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया जाता था, उसका गठन किया गया था। तो इसके विरोध में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। तो इनकी मृत्यु क्या हुई, लाठी से इनकी मृत्यु हो गई, घायल हो गए थे बुरी तरीके से और इनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लोग थे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। और उसमें क्या है, पुलिस अधीक्षक, जो पुलिस अधीक्षक है, अधीक्षक पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। जेम्स ए स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया। ठीक, जब ये हत्या का प्लान बनाया लेकिन गलती से हत्या किसी और की हो गई। जेपी ये लोग गए तो इनको मारने थे लेकिन मर कौन गया इनके हाथों से, जेपी सांडर्स मर गया। उसकी क्या हो गई, हत्या, जेपी सांडर्स की हत्या हो गई। तो इसी क्रम में ये घटना क्या कहलाई, लाहौर षड्यंत्र, लाहौर 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 षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र की घटना कहलाई। ये घटना क्या कहलाई, लाहौर षड्यंत्र। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि लाहौर षड्यंत्र क्या है। तो ये जो लाहौर षड्यंत्र था इसमें क्या है, जेपी सैंडर्स की हत्या हुई, करनी किसकी थी, स्कॉट की करनी थी लेकिन हत्या गलती से उसकी हो गई। इसके तहत इन पर क्या है, मुकदमे वगैरह भी चले। अब आगे चलकर लेकिन एक और एक मुख्य घटना 1929 में हुई, 1929 में एक घटना हुई। उस घटना का क्या था, ये एक सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक था और व्यापार विवाद विधेयक, सुरक्षा सुरक्षा सार्वजनिक सुरक्षा और एक था व्यापार व्यापार विवाद विधेयक, ये था। इसको लेकर लाहौर में, कहां पर, लाहौर में केंद्रीय विधानसभा में क्या है, केंद्रीय विधानसभा में इन लोगों ने क्या फेंका, बम फेंका। और इनके केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। अब देखो इसमें क्या था, भगत सिंह तो थे ही थे, भगत सिंह इनके साथ एक और थे, बटुकेश्वर दत्त। कौन थे, बटुकेश्वर दत्त ये थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह के साथ कौन था, कौन था, बटुकेश्वर दत्त था। और किसके चक्कर में फेंका, सार्वजनिक सुरक्षा बिल, सार्वजनिक सुरक्षा बिल और व्यापार विवाद विधेयक के चक्कर में। अब देखो उद्देश्य क्या था, इनका जो उद्देश्य था बम फेंकने का वो था जो अगले शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ क्या है, शोषण के खिलाफ जागरूक करना या उन्हें सतर्क करना अंग्रेजों को, शोषण के खिलाफ खिलाफ सतर्क करना। और भारतीयों के पास, जन जन के पास क्या है, अपनी, जन जन के पास अपनी आवाज पहुंचाना, पहुंचाना ये इनका उद्देश्य था। उसके बाद में क्या है, ये इन सब हो गया। उसके बाद एक ऐसा, एक दिन ऐसा आया कि ये सब केस मुकदमे लोगों पर चलाए गए, जेल में भी रहे। जतिन दास का नाम भी आता है, 67 दिन भूख से इन्होंने हड़ताल भी की थी, भूख भूख हड़ताल। उसके बाद में क्या है, 23 मार्च को क्या है, इन लोगों को इन सब लाहौर षड्यंत्र के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण सजा सुनाई गई, 23 मार्च 1931 को। तीन लोगों को, राजगुरु
राजगुरु, सुखदेव, सुखदेव प्लस भगत सिंह को क्या दी गई? फांसी दी गई। इस दिन को हर साल भारतीय लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। तो देखो यहां से क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखो हाल में चर्चा में क्यों आ गई है, 115वीं जयंती इनकी बनाई गई है और प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या है, हवाई अड्डे का नाम इनके नाम पर कर दिया है, इनके नाम पर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में इन्हें लाहौर में भी क्या है, इनके नाम पर एक चौक का निर्माण किया जा रहा है, लाहौर में चौक का निर्माण यानी चौराहे का निर्माण किया जा रहा है। इसीलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे ज्यादा इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं जो क्या है, इंपॉर्टेंट होती हैं इनकी कुछ पुस्तकें। ठीक है, तो पुस्तकों की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, क्यों हूं। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, एक आत्मकथात्मक ये प्रवचन है, मैं नास्तिक क्यों हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी, पूछी जाती है। एक और इन्होंने पुस्तक लिखी थी, द जेल नोटबुक, द जेल नोट बुक एंड एंड अदर राइटिंग्स, राइटिंग्स। ठीक, ये एक और इनकी पुस्तक है। तो ये तो सबको पता ही है, ये नहीं पता होगी शायद जहां तक है, तो ये आप याद कर लें, यहां से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जहां तक है प्रत्येक क्वेश्चन को लेने की कोशिश की गई है, आप ऐसे ही देखते रहें। सृष्टि द फ्यूचर, थैंक यू।